दोस्तों, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2025 के नवंबर महीने में, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक अलायंस में होकर चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, ये सवाल आज इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां तेज़ी से बदल रही हैं, वो इन सवालों को खड़ा करती हैं। एक दो नहीं बल्कि कई घटनाएं ऐसी हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि बीजेपी और नीतीश के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बिहार की परिस्थितियां, बिहार की घटनाएं कह रही हैं। केसी त्यागी नीतीश कुमार के करीबी लोगों में शुमार होते थे। अचानक केसी त्यागी से प्रवक्ता का पद ले लिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये कहा गया कि केसी त्यागी से कह दिया गया है कि इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो मजबूरन आपको प्रवक्ता के पद से हटाया जाएगा। केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह को नीतीश कुमार की टीम में जगह नहीं मिलती है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री भूमिहारों को लेकर बयान देते हैं। ये तमाम घटनाएं इशारे क्या करती हैं? क्या जेडीयू अब नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू को किनारे लगाकर खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहती है? बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है दोस्तों। चिराग पासवान की सदस्यता छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है। चिराग पासवान की पार्टी पर संकट बढ़ता है, चिराग इसे महसूस करते हैं और भागे भागे दिल्ली दरबार में जाकर दंडवत होते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए जुट गए हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे? क्या नीतीश कुमार ये समझ पा रहे हैं कि बिहार में डीजीपी की नियुक्ति कैसे हुई? क्या नीतीश कुमार ये समझ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार के कोल डिपार्टमेंट में जो शख्स सचिव रहा, जिसका कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है, उसे अचानक बिहार का मुख्य सचिव क्यों बनाया गया? क्या नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है? चिराग पासवान के साथ जो कुछ चल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी पर जो जो खतरे हैं, सबसे पहले उसको समझने के लिए हमने पटना में अपने रिपोर्टर फरहत को भेजा और उनसे ये कहा कि जमीन पर क्या है, जनता क्या सोचती है चिराग पासवान और बीजेपी को लेकर, वो रिपोर्ट हम तक भेजें। आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान पे खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा जो उन्होंने आरक्षण का क्रीमी लेयर न लगाए जाने का जो विरोध किया, उसका केंद्र सरकार द्वारा दंड दिया जा रहा है, मोदी जी दंड दे रहे हैं। हाँ, और ये आवाज जो है आपके सम्राट चौधरी भी उठाए थे। उनको भी बीजेपी से अध्यक्ष पद से हटाया गया। अच्छा। दोनों को सजा दिया गया, पहले सम्राट चौधरी जी, चिराग, ये दोनों जो बोले थे कि क्रीमी लेयर का इसमें लगान नहीं होना चाहिए। यही जो है मोदी जी चाहते हैं कि हिटलरवादी नीति चलाना चाहते हैं भारत में। भारत हमारा वीरों का देश है, यहाँ हिटलरवादी नहीं चलेगा। ये महाराणा प्रताप का धरती है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धरती है, ये खुद्दीराम बोस का धरती है, ये तिलका मांझी जुब्बा साहनी बिरसा मुंडा का देश है, ये जो है सो कि आपको जो है ये भगत सिंह का देश है, सुखदेव का देश है, बटुकेश्वर दत्त का देश है, यह देश जो है टीपू सुल्तान का देश है, तात्या टोपे का देश है, यहाँ हिटलरवादी किसी का नहीं चलेगा। सदस्यता रहे या जाए, जो बात रहेगा सही वही बोला जाए। मतलब ये साफ है कि मोदी जी के अकॉर्डिंग जो है चिराग पासवान नहीं चल रहे थे, फॉलो उसके उनके अनुसार उनके अनुकूल यहाँ नहीं कोई चलेगा। ये अपना हक है, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। आज दोस्तों मैं अपनी बात रखने से ज्यादा आपको उन लोगों की बात सुनवाना चाहता हूं जो बड़ी बारीकी से बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहे हैं। देश के जाने माने पत्रकार केपी मलिक से भी मैंने यही सवाल पूछा कि बिहार में चल क्या कुछ रहा है, नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, उसका आकलन
उसकी समीक्षा भी केपी मलिक ने की है, वो भी आप सुनिए। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने के सारे षड्यंत्र हो गए थे और पासवान को जब ये लगा कि पार्टी टूट रही है और बाकी सिकंजे उनके ऊपर कसे गए, जिसमें से एक का जिक्र आपने भी किया कि उनपे 3 आरोप लगे और गंभीर आरोप लगे और उनको लगा कि आप इसमें नप जाएंगे और यहां तक हो जाता था कि उसमें उनकी सदस्यता भी चली जाती, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और वो अगले ही दिन आके दिल्ली में जो है नतमस्तक हो गए हैं। तो उनका मामला अभी कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। ये तो चिराग पासवान की बात है। अब आप जो बड़ी बात करना चाहते हैं, जो बड़े मगरमच्छ वहां के थे नीतीश कुमार, और हम उनको कह रहे थे कि बहुत मजबूत बैसाखी है और बहुत ये है नीतीश जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार जी समाप्त हो चुके हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी समाप्त हो चुकी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी का लगभग लगभग कब्जा हो चुका है। और माना ये जा रहा है, गलियारों में चर्चा ये है, जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर है, इधर निशिकांत जुबे जी का घर है, ये पूरा एरिया है जहां पे मैं रुक गया गाड़ी में से आपके फोन आने से। तो ये लुटियंस जोन में चर्चाएं इस तरह की हैं कि अब कहीं कुछ बचा नहीं है और बिहार में आने वाले चुनाव तक आपको इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में बिहार आ चुका है। अब दोस्तों, दोनों बातें सुनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ होती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ खुद को मजबूत करने में, खुद का विस्तार करने में जुट गई है, और इसके लिए चाहे सहयोगियों को किनारे लगाना पड़े, उनकी पार्टी को खत्म करना पड़े, अपने अधिकारी लगाने पड़े, जांचें करवानी पड़े, ईडी को भेजना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इन सहयोगियों को किनारे लगाना चाहती है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी को पता है कि अगर अचानक किनारे लगा दिया तो दिल्ली की सरकार गड़बड़ा जाएगी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए इनकी ही पार्टी में ऐसी तोड़फोड़ कर दी जाए ताकि पार्टियां भी टूटें और दिल्ली की सरकार पर संकट भी ना हो। बिहार में चुनाव भले ही 1 साल बाद है दोस्तों, लेकिन समीकरण और राजनीतिक बिसात आज ही से बिछ रही है, अभी से बिछ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजय पासवान, वो ये कहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री दलित होगा, ओबीसी नहीं होगा। क्या नीतीश कुमार इस बयान के मायने समझ पा रहे हैं? क्या बिहार में जेडीयू के नेता इस बयान के मायने समझ पा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार में एक ऐसी पटकथा तैयार हो रही है जिसके नायक की भूमिका से नीतीश कुमार ही गायब है? वो नीतीश कुमार जिनके कंधों पर, एक कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है, वो नीतीश कुमार साइडलाइन किए जा रहे हैं। अब या तो नीतीश कुमार दिल्ली जाकर सरेंडर हो जाए, हाथ पैर जोड़ लें, माफियां मांग लें, तब यह स्थिति बच सकती है, या फिर नीतीश कुमार पूरी तरह से बगावती तेवर अपना लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ेगी कि वो बगावती तेवर अपनाने के बारे में सोचें। और इसीलिए दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी के बारे में भले ही ये बात फैलाई गई हो कि पार्टी तोड़ी जाएगी, सांसद तोड़े जाएंगे, और वो कोशिश चल भी रही हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसका डर नीतीश कुमार को दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों बड़े चुप हैं, बड़े खामोश हैं, और लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं तो उसके बाद बड़ा शोर करते हैं। तो यानी नीतीश कुमार को कंट्रोल में रखने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक घेराबंदी कर रही है। यानी बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां दोस्तों बहुत जल्द बदलेंगी, बहुत तेजी से बदलेंगी। इंतजार किस बात का है, बस ये समझने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।